मनीष सिसोदिया के पास अभी एक बच्चे को भेजा था एडमिशन के लिए, उन्होंने उनके पीए ने कागज फाड़ दिए थे। क्या ये एजुकेशन का मतलब? आपको 8 साल वो कूड़ा याद नहीं आया? आपको 8 साल उस कूड़े को लिए सोचना था ना। अब आप जब चुनाव सिर पे हैं तो आप कूड़े का मुद्दा, आप वहाँ रहे बैठे हैं तो वहाँ से इतनी दूरी पे बदबू आ रही, वो लोग कैसे पानी पियेंगे? पानी तो लोगों को साफ दे नहीं सके, शराब के ठेके खोल दिए। उन्होंने तो कहा था मैं अच्छे स्कूल खोलूँगा, उन्होंने स्कूल के बदले पानी के बदले शराब खोल दी। सभी दर्शकों का हॉकफी न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शशि चांदना जी, जो कि मंडावली क्षेत्र के वार्ड नंबर 199 से अभी रनिंग पार्षद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शशि जी, अब जैसे आप फील्ड में निकली हुई हैं, आपका गला भी लग रहा है कि आप सुबह से भागा दौड़ी, आपने काफी लोगों से बातचीत की होगी तो गला खराब है, तो क्या लग रहा है ये जो मेहनत है डंके की चोट पर, यहाँ से बीजेपी आ रही है या आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि उनकी सरकार इस बार एमसीडी में, आपको क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार एमसीडी की सत्ता, एमसीडी की कुर्सी किसको मिल रही है? सबसे पहले तो मैं अपने संगठन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दोबारा मेरे को इस सीट पे कुछ जो मेरे गांव अधूरे थे उसको पूरा करने के लिए भेजा। तो केजरीवाल जी क्यों झूठे वादे करते हैं? वो अपना इस जो क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, वो अब ये अपना रंग बदलना छोड़ दें, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए मैं डेली जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो क्योंकि मैंने जो 5 साल मेरे यहाँ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे और उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास सब कुछ था, पेंशन वगैरह, राशन का, सीवर का, सब प्रॉब्लम। अभी तो यहाँ सीवर की इतनी प्रॉब्लम है, लोग दिखाते हैं देखिए मैडम आप जल्दी आइए, उन्होंने कुछ सोच के मुझे दोबारा उतारा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी डंके की चोट पे कहते हैं, गलत। उन्होंने जो शराब के ठेके खोले, पानी तो लोगों को साफ दे नहीं सके, शराब के ठेके खोल दिए। बच्चे वहाँ खड़े होते, यंग युवा बच्चे कहते हैं मैडम आपने क्या दिया हमें, तो केजरीवाल जी एक पे एक फ्री दे रहे हैं। ये बच्चों के विचार बदले, जबकि उस टाइम बच्चे को पढ़ने जाना चाहिए। कितना भी वो प्रयास कर ले, कुछ तो जो पब्लिक है अभी वो समझदार है, वो समझती है, वो सोचती है कि ये झूठे। और मैं कई जगह जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप फ्री के चक्कर में नहीं मैडम, हमें पता चल गया धोखे में। और तो मेरे ऑफिस में जाके ऊपर देखी, मेरे इतना गंदा पानी आ रहा है, आप वहाँ रहे बैठे हैं तो वहाँ से इतनी दूरी पे बदबू आ रही, वो लोग कैसे पानी पियेंगे? उन्होंने तो कहा था मैं अच्छे स्कूल खोलूँगा, उन्होंने स्कूल के बदले पानी के बदले शराब खोल दी। स्कूल चल के देखी मैं सर, मुझे बड़े स्कूल वाले भी लोग बुलाते हैं, मैं जाती हूँ, मुझे बताया देखिए मैडम इसका 50 कितना करोड़, कितना 1 करोड़ ले लिया, वो जो सीमेंट की फट है, सीमेंट की जो पटड़ी है वो लगी है, उसमें से पानी आ रहा है बारिश में, अगर वो किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए, हादसा हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन है? तो मैं यहाँ की जनता का, ये क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मैं गई हूँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, पहले मैं यहाँ से 6,000 वोटों से जीती थी, अब उससे ज़्यादा वोटों से जीतूँगी, और मैं पूरा इस जनता के साथ आभारी हूँ और इस जनता का धन्यवाद करती हूँ। शशि जी, आपने एक बहुत अहम बात छेड़ी, दिल्ली है, बच्चों को स्कूल जाते हैं, अभिभावकों के मन में कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि जैसे कि आपने बताया स्कूल से पानी टपक रहा था, तो ये कहीं ना कहीं ये तो शिक्षा में भी बहुत बड़ा घोटाला है। शराब का तो है नहीं, आपने बताया कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब का घोटाला किया, तो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आती है। स्कूल आपने कहा गिर जाए, अभिभावक किसी भरोसे पर बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, और उनके साथ आपने बोला कि वो शराब पीते हैं, ठेके स्कूल के बराबर में खोल दिए। क्या ये बात जो जनता यहाँ की सब ये वाली बातें भी उठा रही है, क्या ये वाकई में सच है? इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, बिल्कुल सच है। देखिए आप मेरे सामने, मैं आपके सामने 5वीं तक एमसीडी के मेरे स्कूल है, मैं वहाँ जाती हूँ पूरा, मैं ईस्ट दिल्ली में मैं डिप्टी चेयरमैन भी रही हूँ एजुकेशन की, तो बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छी है, कई बार मैं अचानक भी चली जाती हूँ। तो इनके स्कूल है मेरे पास, अभी भी मैं आपको ऐसे 60 बच्चे ला के दिखा सकती हूँ 9th के, जिनको ये नहीं पता दिस दैट इज़ ए गर्ल, मतलब एप्पल का वो वर्ड नहीं बता सकते, उन्होंने 9th कैसे कर ली। जब बच्चा मेरे पास आया तो उसने कहा मैडम मैं 10th कर ली, 10th के बाद वो 11th में फेल हो गया। अब वो बच्चा क्या करे, धक्के खा रहा है, वो क्या करेगा, शराब पिएगा? एजुकेशन में तो ये बिल्कुल फेल है, इन्होंने एजुकेशन में कुछ नहीं किया। उसके बाद वो बच्चे ने फिर भी, मैं उसके साथ गई तो इन्होंने कहा जी एक फीस भर दो,
वो इतना गरीब बच्चा, वो फीस तो दे नहीं सकते, तो वो बच्चा का कैरियर इन्होंने ख़राब कर दिया। एजुकेशन में फेल है, हर चीज़ में फेल है। मैं तो अपने मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, ये कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन, क्या वैक्सीन, वो तो मोदी जी के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राशन बटा, ये वैक्सीन है। और मेरा वैक्सीनेशन सेंटर अभी भी चल रहा है, 2 साल से वैक्सीन है, वो मोदी जी की देन थी इसलिए चल रहा है, केजरीवाल जी की देन नहीं थी। स्कूल फेल, हर तरफ से फेल है, ये संस्थे की तरफ से फेल है, कहीं भी नहीं। कुछ तो पब्लिक के दिमाग में आता होगा ना, देखिए मैडम की अभी तक वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, मैडम से कुछ कह, अगर एडमिशन की बात होती है तो मैं उनकी उसमें भी हेल्प करती हूँ। तो मनीष सिसोदिया के पास अभी एक बच्चे को भेजा था एडमिशन के लिए, उन्होंने उनके पीए ने कागज फाड़ दिए थे। क्या ये एजुकेशन का मतलब, कम से उस गरीब औरत के साथ कागज नहीं फाड़ के, अगर वो उस बच्चे को थोड़ा सा सहमति देते कि नहीं बेटा आपका थोड़े समय बाद करवा देंगे या कुछ। और पब्लिक बहुत परेशान है, जब भी मैं जाती हूँ ओल्ड एज की जितनी भी लेडीज़ हैं, बेटा मेरी पेंशन नहीं है, पेंशन लगवा दे, मेरा हस्बैंड नहीं है, ऐसे करके, तो उनकी कौन सुनेगा। एक डिप्टी सीएम होने के बाद आप किसी तरफ से भी, मतलब आप सब तरफ से फेल हैं। नहीं, जैसे शशि जी आपने बताया कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी एक क्लास से ऊंची क्लास में उनको प्रमोशन दे दिया जा रहा है, तो ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है, क्या राजनीति हो सकती है कि बच्चा अगर 7वीं क्लास में नहीं पढ़ रहा है, फेल हो गया, फिर भी उसको पास करवा के 8वीं क्लास में प्रमोट कर दिया, तो इसके पीछे केजरीवाल जी की क्या राजनीति हो सकती है। नहीं, उनकी ये राजनीति है, अभी देखो उन्होंने तो अपनी तरफ से बच्चा आगे चला गया, वो गरीब लोग हैं, अब बच्चा फेल हो गया उसको निकाल दिया, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कुछ उनकी उनके पास पैसा नहीं किसी, मतलब कहीं केस कर सके किसी को दे से, गरीबों का तो सिर्फ भगवान है, तो इसलिए फेल है। ये भी अभी यात्रा का बोलूँ, यात्रा भी ये उन लोगों को करवा रहे हैं जो इनके परिवार से संबंध रखते हैं। बताइए किसी भी हमारे बीजेपी वाले को इन्होंने फ्री में यात्रा करवाई हो कुछ, और मैं वो बच्चे भी आपको एजुकेशन में बता सकती हूँ, ला के दिखा सकती हूँ, 9 के बच्चे, और बहुत दुख होता है उस टाइम, ऐसे जो देश के डिप्टी सीएम है उनको दूसरी तरफ से ध्यान छोड़े, अभी गुजरात में जा रहे हैं चुनाव लड़ने, क्या वहाँ चुनाव में वहाँ की जनता बहुत समझदार है, देखिए वहाँ से लौट के औंधे मुँह लौट के आएंगे। कहीं ना कहीं जो सवाल था, एक तो चलिए सवाल वो आपसे दोबारा से पूछूंगा बच्चों के ऊपर, कि अगर 6वीं में 7वीं में 8वीं में फेल हो जाता है तो उसको प्रमोट क्यों आगे अगली क्लास में क्यों भेज दिया जाता है, ये सवाल मैं दोबारा से पूछूंगा। लेकिन जो आपने कहा कि आपके पास कुछ बच्चे हैं, ऐसी लिस्ट है जिनको समस्याएं हैं केजरीवाल जी के स्कूल से, तो हम आप हमें मिलवा सकती हैं उन बच्चों से? हाँ बिल्कुल मिलवा सकती हूँ, मेरा चुनाव होने दो, अभी बच्चे को कुछ रेडी पे काम कर रहे हैं, मेरे पास उन पढ़ आते थे मेरे टीचर के पास पढ़ने, तो मैं उन बच्चों से मिलवा सकती हूँ। शशि जी कब मिल सकते हैं उन बच्चों से? उन बच्चों को देखिए मैं अभी चुनाव में बिजी हूँ, चुनाव के बाद मैं उस बच्चे को बोलूँगी, वो कुछ बच्चे मुस्लिम है कुछ हिंदू। अच्छा, कहीं ना कहीं अब जैसे बच्चों में आपने बात कहा कि हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीति केजरीवाल जी ने खेली है कि मौलवियों को तनख्वाह बढ़ा दी जाती है और जो हिंदू हैं उनके जो मंदिर हैं उनमें, जो मंदिरों में पंडित बैठे हुए हैं उनको कुछ भी तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ाई गई, उनके साथ कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति, गलत राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्या ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है अरविंद केजरीवाल द्वारा? बिल्कुल वो हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं, क्यों हमारे पंडितों के, पंडित को ज़्यादा अमीर है वो क्यों मुस्लिम को, मतलब भी उनको दे रहे पे, और हमारे पंडित लोग कहाँ जाएंगे, पंडित जी को तो देखिए जो उनका दान पात्र होता है वो सबके सामने खुलता है, अगर पंडित जी को किसने कुछ दे दिया वही लेके जाते हैं ना, तो उनको बराबर की राजनीति करनी चाहिए, वो ही राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं, वो ही हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, वही गंदी राजनीति फैला रहे हैं। देश में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं चल रही, देखिए उनके कार्यकर्ताओं को समझ नहीं कि मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, जब हमारी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें लेडीज़ को देखिए खड़े होकर मोदी जी को इतने चोर वगैरह कहा जाता है, जो खुद इस चोरी में पकड़ी जाती है, तब उस टाइम वो ये, मैं ये कहना चाहती हूँ मुझे उस टाइम इतना दुख हुआ, आज तुम पूरी पब्लिक के सामने पकड़ी एक मूँगफली के द्वारा, मूँगफली वाले के द्वारा, और आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जिनके लिए आप ऐसा बले में, अगर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे हम हिंदू भी नहीं बच पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप पूरी दिल्ली को देखती हैं ओवरऑल, यमुना
एक मुद्दा था, यमुना के अलावा मुफ्त बिजली पानी एक मुद्दा था, और भी कई ऐसे सारे मुद्दे थे जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर इस बार बीजेपी एमसीडी में आती है तो वो जो मुद्दे हैं क्या भुना पाएगी या नहीं? नहीं, वो एमसीडी में आ ही नहीं सकती। हमने सबने बहुत अच्छे काम किए हैं, और सबसे पहले हमारा मुद्दा बिना फंड के की, हमें फंड नहीं मिला, उसके बावजूद भी हम पब्लिक में उतरे, काम किए। जो भी हमारे कुछ भी थे, हमारा पर्सनल फंड था, जहाँ हमें होस्टेक का जो हम होस्टेक पे करते थे उसका फंड मिलता था, कुछ तो कुछ हमने करवाया। और सड़कों के पैच वर्क भी कराए, तो जो हमारा थोड़ा सा मलबा वगैरह लाया जाता था उससे करवाते, मगर हम पीछे नहीं हटे। हमने मुंह तोड़ के जवाब दिया। सीवर की अगर प्रॉब्लम आई है तो वो तो देखो, सीवर ये PWD के नाले वगैरह ये तो सब के जे, मगर मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ वो कभी नहीं आएंगे हमसे। अभी देखिए ताजी बात, ये जो कूड़े की वो बात कर रहे हैं, ट्रक खड़े कर रहे हैं, क्या कूड़ा तो हमारे घरों का ही है ना? हम कूड़ा अपने पॉकेट में नहीं डालेंगे, कूड़ा तो हमें बाहर ही ले जाना। उसके बाद जो हमारे सांसद के द्वारा कई लाख टन कूड़ा नीचे हुआ है, आपको 8 साल वो कूड़ा याद नहीं आया? आपको 8 साल उस कूड़े को लिए सोचना था ना। अब आप जब चुनाव सिर पे हैं तो आप कूड़े का मुद्दा, पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत समझ रहा है। केजरीवाल जी, आप अपनी नींद सोते रहिए और सोते ही रहेंगे, मगर हमारे जो जितने भी पार्षद हैं, मैं आपको सच बताती हूँ, सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जीत के आएंगे।